हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर की क्या सैलरी होती है इंडिया के अंदर। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया है या करने वाले हो तो इस वीडियो को आपको जरूर पूरा देखना चाहिए ताकि आप घर बैठे ये डिसीजन ले पाओ कि प्राइवेट में ही यदि आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे फ्रेशर में तो दोस्त आपको प्राइवेट चूज़ करना चाहिए मल्टीनेशनल, कहाँ पे आपको सैलरी और कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने को मिलेगा, सैलरी कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, प्राइवेट टाइप कंपनी में या फिर एमएनसी टाइप कंपनी में कौन सी कंपनी को आपको चूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप घर बैठे डिसीजन ले पाओगे कि आपको यदि डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप किसी भी ट्रेड से कर लेते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी चूज़ करना चाहिए शुरू में या फिर मल्टीनेशनल कंपनी चूज़ करना चाहिए। तो चलिए पहले हम सैलरी से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे किस टाइप की कंपनियों में ज्यादा काम सीखने को मिलता है। ओके, तो दोस्तों यहां पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी तो आपको जाहिर सी बात है एमएनसी कंपनी में आपको अधिक मिलेगा, लेकिन दोस्त हम आपको बता दें कि यदि आप काम की बात करते हो यानी कि काम कहां पर सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, यदि आप फ्रेशर हो ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो तो ट्रेनिंग यदि आप करने के लिए जा रहे हो तो आपको जरूर प्राइवेट कंपनी को ही प्रीफर करना चाहिए, चूज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोस्त आपको माइक्रो लेवल का काम भी सीखने को मिल जाता है आपके डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि आप यदि क्वालिटी डिपार्टमेंट चूज करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चूज करते हो, दोस्त आप जिस भी डिपार्टमेंट को चूज करते हो और प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो वहां पर आपको माइक्रो लेवल का यानी कि ऑपरेटर लेवल से लेकर आपके पोस्ट तक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुद आपसे आने लग जाएंगे, आपको खुद पता हो जाएंगे, आपके सारे काम पता हो जाएंगे। तो फिर आप एक इस कंपनी को जब स्विच करोगे फिर आप प्राइवेट से एमएनसी में जाओगे तो आपके सैलरी में 10x आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन यदि आप एमएनसी में घुस जाते हो शुरू में ही एमएनसी में घुस जाते हो तो आपकी सैलरी तो अधिक रहती है। ओके, लेकिन ट्रेनिंग के पीरियड की अगर बात करें कि प्राइवेट में और एमएनसी में ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो दोनों जगह सेम ही होता है। ओके, यानी कि प्राइवेट में अगर 17-18 हज़ार रहता है तो 3-4 हज़ार का डिफरेंस रहता है, 20-22 हज़ार रुपये एमएनसी में मिलता है डिप्लोमा वालों को, तो वहां पर 3-4 हज़ार का डिफरेंस रहता है, यानी कि 3-4 हज़ार तो बहुत होता है ना फिर भी। लेकिन अगर दोस्त काम सीखने की बात करें तो काम जो है दोस्त प्राइवेट कंपनी में जो लड़का काम करता है ट्रेनिंग लेता है उससे जो काम आने लग जाता है वो जो एमएनसी में घुसता है शुरू में वहां पर दोस्त उतना उसको काम नहीं आता। वहां पर क्या होता है कि जो काम आपको दे दिया जाता है बाई चांस आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम दे दिया गया तो डॉक्यूमेंटेशन का ही काम कराया जाएगा सुपरविजन में, लाइक आपका वहां पर जो मैन पावर क्या कर रही है, कैसे हैंडल करना है, आपका वहां पर क्या साइट में काम चल रहा है, सब कुछ आपको नहीं देखना होता। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन काम करना, आपको सुपरविजन का काम करना, आप यदि इंजीनियर हैं जूनियर इंजीनियर तो आपका अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना है। वहां पे मैन पावर वहां पे दोस्त क्या है कि वहां पे आपको काम काफी ज्यादा सीखने को मिल जाता है, ग्राउंड लेवल तक का काम सीखने को मिलता है और आपके टॉप लेवल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपको सीखने को मिलती है, यहां तक कि मैनेजर भी आपसे अपना काम करवाता है तो आपको उस लेवल के भी काम सीखने को मिल जाता है प्राइवेट कंपनियों में, इसलिए वहां पे काम ज्यादा होता है। जो लड़के आलसी होते हैं, जो लड़के काम नहीं कर पाते हैं वो छोड़कर भी चले जाते हैं। तो दोस्त हम आपको बता दें कि यदि आप काम सीखना चाहते हैं, काम ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना चाहते हैं और आप यदि हैं फुर्तीले आदमी तो फिर दोस्त आपको जरूर प्राइवेट कंपनी को चूज करना चाहिए और वो भी छोटी कंपनी को चूज करना चाहिए। प्राइवेट में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट जो लिमिटेड होती हैं जो शुरू में खुलती हैं जिनका टर्नओवर काफी होता है, तो यदि आप ऐसी कंपनी चूज करते हो जहां पर इनका टर्नओवर अधिक है और काफी ज्यादा हाई फाई है तो फिर दोस्त वहां पर भी आप ज्यादा काम नहीं सीख पाओगे क्योंकि वहां पर भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। लेकिन यदि आप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं लाइक एसपीएम ऑटो कम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एसएम ऑटो, जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वहां पर आपको जो है जो मशीनें लगी होती हैं सीएनसी बीएमसी एचएमसी जो भी मशीनें लगी हैं लाइन में क्या काम हो रहा है, क्वालिटी में क्या काम हो रहा है, आपको पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीखने को मिल जाता है, आपका मैनेजर लेवल की पोस्ट का भी काम सीखने को देखने को मिल जाता है। लेकिन एमएनसी कंपनी में ऐसा नहीं है, यहां पर आपको जो काम दिया जाएगा वही काम आपसे कराया जाएगा और वही काम आपसे लिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको काम सीखने को नहीं मिलता है। अगर आप प्राइवेट से एमएनसी में स्विच करते हो तो 10x गुना आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, वहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। बट यदि आप एमएनसी से एमएनसी में जाते हो तो आपको इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बट ग्रोथ होगी 30% आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, ग्रोथ तो होती है दोस्त, बट इतना ज़्यादा आपके पास स्किल इतना ज़्यादा नहीं होगी तो फिर आपको इतनी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ आपकी स्किल पर डिपेंड करती है। एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, बट आप कितना स्किलफुल हो, आप कंपनी को क्या प्रोवाइड करोगे, कंपनी कितना बेनिफिट दोगे, ये सब आपका जब इंटरव्यू होगा टेक्निकल टीम और एचआर टीम भाप लेती है वहीं पर कि आपका क्या लेवल है और आपकी क्या सैलरी लगानी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप वहाँ पर डिमांड रख रहे हो सैलरी की, तो अगर आपसे सब कुछ आ रहा है आपका ट्रायल लिया जाएगा, सैलरी आपके अकॉर्डिंग भी लगा दी जाती है कई बार, ठीक है ना, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने बोला प्राइवेट को आप प्रीफर करिए ट्रेनिंग के टाइम, लेकिन यदि एमएनसी में हो जाता कोई बात नहीं, एमएनसी से भी आप ट्रेनिंग करिए कोई दिक्कत नहीं, बट आप काम सीखिए, आप मौसम टूल रूम हो गया लाइक, यदि आप आउटर से भी काम सीख सकते हो प्रैक्टिकली जो भी आपका डिपार्टमेंट का काम है आप बाहर से भी सीख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में इतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता है, बाकी यदि आप सीनियर अच्छी पकड़ आपकी बन जाती है तो आप उनसे उनका काम सीख सकते हैं। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो फिर कहीं भी काम सीख सकते हैं, मोबाइल से भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकली काम जो मशीनों में जाकर खुद काम करना सीखना होगा वो प्राइवेट कंपनी में क्या करना ही पड़ता है, वहाँ पे
जो है तो आप ना भी चाहो तब भी आपको सीखना, सीखो या ना सीखो बट करना पड़ेगा, तो आप सीख जाओगे ऑटोमेटिक जब करना पड़ेगा तो। लेकिन एमएनसी में जो काम दिया जाता है वही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी आलसी हो जाते हो और वहाँ पर फिर आप जो उतना काम नहीं करते, जिसकी वजह से आप काम सीख भी नहीं पाते हो। तो इस तरह से आप एमएनसी से एमएनसी जाते रहते हो, आपको काम ज़्यादा नहीं आता है, पैसा तो आपको मिलता रहता है, पेमेंट आपकी आती रहती है बट स्किल उतना ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा ग्रोथ फ्यूचर में नहीं हो पाती है। बाकी दोस्त चलिए हम बता देते हैं कि क्या सैलरी होता है। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी जो दोस्त शुरू में जब आप फ्रेशर लेवल में होते हो, ट्रेनिंग के लिए आते हो, 14 से 15 हज़ार यानी 18 हज़ार तक आपको फ्रेशर लेवल ट्रेनिंग में देखने को मिलता है। एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी जो है 20 से 25 हज़ार हो जाता है प्राइवेट में भी। लेकिन एमएनसी की बात करें तो शुरू में तो होता है उसमें 20-22 हज़ार रुपये, लेकिन उसमें फिर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 2000-3000 की ग्रोथ रहती है, ठीक है ना। तो एमएनसी में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है सडनली, अगर आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस दोनों हो जाता है तो फिर आपकी ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते हैं। धन्यवाद।